हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं आपकी होस्ट ज्योति और आप देख रहे हैं ज्योति स्टडी सेंटर। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए स्पोकन सेंटेंसेस लेके आई हूं, तो आइए शुरू करते हैं। मैंने धैर्य दिखाया, आई शोड पेशेंस, आई शोड पेशेंस। सबको यह पता था, ऑल न्यू इट। अगर आपको ये कहना है कि सबको ये पता है या सबको ये पता था, तो आप कह सकते हैं कुछ इस तरह, आप जा सकते हो, यू मे गो, यू मे गो। अगर आपको ये कहना है तो इस तरह कह सकते हैं। उन्होंने सुरक्षित ढंग से वाहन चलाया, दे ड्रोव सेफली। यहाँ पे V2 है ड्राइव का, ड्रोव। मैंने पूरा मजा लिया, आई इन्जॉयड फुली। सपोज आपने कोई पिक्चर देखा, आपको बहुत अच्छा लगा, तो आप कह सकते हैं मैंने पूरी तरह से इन्जॉय किया, तो आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं। मैं बहुत थका हूँ, आई एम वेरी टायर्ड, या फिर आई एम एग्जॉस्टेड। आप कुछ इस तरह से इस सेंटेंस को कह सकते हैं। क्या तुम नहीं जानते हो, डोंट यू नो, डोंट यू नो। आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं। दोस्तों, ये सेंटेंसेस आपको डे टू डे लाइफ में इंग्लिश बोलने में काफ़ी हेल्प करेंगे, इसलिए एंड तक बने रहे। मैं आपसे नहीं मिला, आई डिड नॉट सी यू, आई डिड नॉट सी यू, या फिर आई डिडेंट सी यू। मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर यू। अगर आपको किन्हीं को ये कहना है कि मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, तो आप कह सकते हैं आई एम वेटिंग फॉर यू। आज बहुत गर्मी है, इट इज़ वेरी हॉट टुडे, इट इज़ वेरी हॉट टुडे। और सच में आज बहुत गर्मी है दोस्तों। वे मोहिनी को नहीं ढूंढ पाए, दे कुडंट फाइंड मोहिनी, या फिर दे कुड नॉट फाइंड मोहिनी। आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं। कल कोई नहीं था, देर वॉज नो बडी यस्टरडे। अगर आपको इस सेंटेंस को कहना है, तो आप कह सकते हैं देर वॉज नो बडी यस्टरडे। नेक्स्ट देखते हैं, वे कभी कभी मेरी राय लेते हैं, दे समटाइम्स टेक माई एडवाइस, दे समटाइम्स टेक माई एडवाइस। वे बहुत ईमानदार है, दे आर वेरी ऑनेस्ट, दे आर वेरी ऑनेस्ट। ईमानदार का ऑनेस्ट होता है। मैं अपने दोस्तों को हमेशा प्रोत्साहित करता हूँ या करती हूँ, आई ऑलवेज इंकरेज माई फ्रेंड। इंकरेज मैंने प्रोत्साहन देना, आई ऑलवेज इंकरेज माई फ्रेंड्स। मैं इस शहर में नया हूँ, आई एम न्यू टू दिस सिटी, आई एम न्यू टू दिस सिटी। आप कुछ इस तरह से इस सेंटेंस को इंग्लिश स्पोकन में बोल सकते हैं। उसके हाथ भरे हुए हैं, ही हैज़ हिज हैंड्स फुल। मतलब किसी सामान से अगर उनके हाथ भरे हुए, तो आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं। वे यहाँ आ सकते हैं, दे मे कम हेयर। यहाँ संभावना जताया जा रहा है कि वे आ सकते हैं, तो दे मे कम हेयर। आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं। वे चिल्लाए, दे साउटेड, दे साउटेड। यहाँ साउट का V2 है, साउटेड, दे साउटेड। आप कुछ इस तरह से सेंटेंस को कह सकते हैं। मैं असफल हो गया, आई हैव फेल्ड। अगर आप असफल हो गए, आपको ये कहना है इंग्लिश में, तो आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं। उन्होंने आपस में अभिवादन किया, दे एक्सचेंज्ड ग्रीटिंग्स, दे एक्सचेंज्ड ग्रीटिंग्स। आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं। सूरज ने तुम्हारी प्रशंसा की, सूरज प्रेज्ड यू, सूरज प्रेज्ड यू। आप कुछ इस तरह से सेंटेंस को कह सकते हैं। मैंने तुम्हारी उम्मीद की, आई एक्सपेक्टेड यू, आई एक्सपेक्टेड यू। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मनोज को हिरासत में ले लिया गया है, मनोज वॉज अरेस्टेड, मनोज वॉज अरेस्टेड। आप कुछ इस तरह से सेंटेंस को कह सकते हैं। उसने मुझे ऐसा नहीं बताया, सी डिडेंट टेल मी सो। उसने मुझे ऐसा नहीं बताया, आप कह सकते हैं सी डिडेंट टेल मी सो। आप दुखी क्यों हैं? अगर आपको किसी से ये पूछना, तो आप पूछ सकते हैं वाई आर यू सैड। आप कुछ इस तरह से इंग्लिश में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ स्पोकन सेंटेंस जो आपको डे टू डे लाइफ में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो ज्योति स्टडी सेंटर के साथ जुड़े रहिए। मेरे नए व्यूवर्स, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर